डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। वाहन चोरी कटान कर अवैध संपत्ति कमाने वालों पर पुलिस व प्रशासन का सिकंजा कसता जा रहा है। अब तक करीब 6 करोड़ रुपए की काले धंधे से जुड़े लोगों की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। आज पुलिस ने साकिब उफ गद्दू गैंग के सदस्य शान मोहम्मद के घर को भी कुर्क कर लिया। यह कुर्की निसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन 60 फुटा रोड पर की गई है। शान मोहम्मद उफ शानू मेरठ भावनपुर के ग्राम जेई का निवासी है। आरोप है कि उसने चोरी के वाहनों के कटान से अर्जित पैसे से समर गार्डन में भी मकान बना रखा है। आज सुबह परिजनों को बाहर निकालकर कुर्क करते हुए इस मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। शानू मेरठ के बदनाम सोतीगंज इलाके में संचालित वाहनों के कटान संबंधित धंधे से भी जुड़ा हुआ है। ये इनके द्वारा जो पूर्व में अपराध किए गए हैं उसके आधार पर गैंगस्टर पंजीकृत हुआ था, उसके अंतर्गत जब्ती करने की कार्रवाई की गई है गैंगस्टर अधिनियम में। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जब्ती करने की कार्रवाई की गई है। बिना जिलाधिकारी के अनुमोदन से बिना नैस्को मकान को कोई द्वारा खरीदा बेचा जा सकता है और न ही कोई प्रवेश कर सकता है। इस मौके पर SP विवेक यादव ने यह जानकारी दी। शान मोहम्मद सनफ मंगत खान है, इसके ऊपर 5 से अधिक 5 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। ये शाकिब उर्फ गद्दू जो कि सोतीगंज में वाहनों की चोरी एवं चोरी के वाहनों के कटान का कार्य करता था, उसका एक सक्रिय सदस्य था ये, और उसी के ऊपर ये 14 गैंगस्टर एक्ट के अंदर देखिए। इसकी व्यवसायिक कीमत करीब 40 से 50 लाख के बीच में। गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जी, खैर उन पे तो 14 के कार्रवाई बहुतों की जा चुकी है, लेकिन कुछ और संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैं जी, और उस पे जो 14 की कार्रवाई है जी, 5 से 6 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां 14 गैंगस्टर एक्ट में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।